गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, गॉड ब्लेस यू ऑल। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के टॉपिक चल रहे थे हमारे, और इसके दोनों बेसिक्स मैंने आपको सारे थ्योरी के पार्ट्स कवर करा दिए हैं, विद फॉर्मूले कैसे बनाएं, कैसे आप इजी तरीके से हर एक टॉपिक को समझें। इसे प्रीवियस पार्ट में मैंने उसको यूट्यूब पे अपलोड कर रखा है, प्लीज जाके जरूर देखें। इसके बाद क्वेश्चंस करोगे तो बहुत आसान हो जाएंगे। इस समय जो बच्चा ये वीडियो देख रहा है, प्लीज पहले वाली वीडियो जरूर देखें, इससे पहले वाला पार्ट, क्योंकि जिसमें मैंने आपको ये सारे फार्मूले बनाने सिखाए बहुत ही इजी तरीके से। मैंने बुक किस लैंग्वेज वाले फार्मूले नहीं बताए, वन शॉट में सारे फार्मूले क्लियर होंगे, आप किसी भी तरह के क्वेश्चंस कर सकते हो। तो आप क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, टीएस ग्रेवाल 2024 का एडिशन है हमारा। क्वेश्चन नंबर 37, राम एंड मोहन टू पार्टनर है, ड्रीम फॉर द पर्सनल यूज, 1,20,000 और 80,000, इंटरेस्ट इज चार्जेबल 6% पर एनम ऑन द ड्रॉइंग, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट चार्जेबल फॉर ईच पार्टनर। अब यहां पे देखो, उसने डेट गिवन नहीं की है, क्वेश्चन में डेट नहीं दी कि कब उसने विड्रॉ किया। तो यहां पे मैंने आपको एक बताया था, जब भी आपको इंटरेस्ट ड्रॉइंग का क्वेश्चन आए और डेट गिवन ना हो तब आपको क्या करना पड़ता है, एवरेज लेके चलते हैं 6/12। जब भी क्वेश्चन में डेट गिवन ना हो तो आप 6/12 करके चलेंगे, जो भी इंटरेस्ट ड्रॉइंग का आप निकालेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 37, टीएस ग्रेवाल, राम ने कितनी ड्रॉ की, 1,20,000, और मोहन ने 80,000। रेट दे रखा है हमको 6% पर एनम। भी दिया है, लेकिन हमें डेट नहीं पता। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालेंगे, इसका फॉर्मूला होता है टोटल ड्राइंग्स इनटू रेट अपॉन 100, और जब कुछ डेट ना गिवन हो तो हम करते हैं 6/12। ये ध्यान रखना है आपको। तो राम कितना अमाउंट था टोटल ड्राइंग राम का, 1,20,000, 6% और 6/12 कितना जाएगा, 3,600 रुपीज। और मोहन का 80,000 है, 6% और 6/12 2,400 रुपीज। सबको समझ में आ गया, किसी को कोई डाउट है, कोई डाउट नहीं। चलिए नेक्स्ट, 38, ब्रिज एंड मोहन आर पार्टनर इन अ फर्म, दे विड्रू 48,000 36,000 रेस्पेक्टिवली ड्यूरिंग द ईयर इवनली इन द मिडिल ऑफ एवरी मंथ अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड, इंटरेस्ट ड्राइंग टू बी चार्ज 10% पर एनम, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग द पार्टनर यूजिंग द एप्रोप्रिएट फार्मूला। कौन सा फार्मूला मैं इसमें लगेगा, एक तो ब्रिज है और एक है हमारा मोहन। तो क्वेश्चन नंबर 38, ब्रिज की ड्राइंग्स कितनी है, 48,000, और मोहन की ड्राइंग कितनी है, 36,000। और इन्होंने क्या है, मिडिल ऑफ एवरी मंथ किया है, या क्या किया है इन्होंने, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ड्यूरिंग द ईयर इवनली इन द मिडिल ऑफ एवरी मंथ, ये एवरी मंथ निकालते हैं, ठीक है। तो कितना आएगा, 48,000 उन्होंने टोटल अमाउंट दे रखी है ड्राइंग की। अब 48,000 को 12 से मल्टीप्लाई मत करना, उसने ड्यूरिंग द ईयर 48,000 ही विड्रॉ किए हैं, इसने 36 किए हैं, लेकिन मिडिल ऑफ एवरी मंथ किए हैं। जब मिडिल ऑफ एवरी मंथ होता है तो टोटल ऑफ ड्रॉइंग का फॉर्मूला क्या लगेगा, सेम इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मिडिल ऑफ एवरी मंथ है। देखो कंफ्यूजन क्या होता है फॉर्मूले में, कैसे लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे टोटल ड्रॉइंग्स इनटू रेट अपॉन 100। अब यहां पे कितना आएगा, क्योंकि मिडिल ऑफ एवरी मंथ है तो यहां पे आता है 6/12। क्या आता है यहां पे,
6/12, ठीक है ना। मंथली ड्राइंग को आप जब भी कैलकुलेट करें मंथली ड्राइंग को, तो मंथली साल भर में ड्राइंग होती है 12, एवरेज निकालोगे तो कितना आएगा 6/12। अगर बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ है तो 0.5 प्लस कर देना, और एंड ऑफ एवरी मंथ है तो 0.5 लेस कर देना। तो ब्रिज की ड्राइंग कितनी आएगी देखो, ब्रिज जो था ब्रिज का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन सॉरी ड्राइंग्स, टोटल ड्राइंग्स कितनी है हमारी 48,000, और रेट कितना दिया हुआ है इस पे, रेट है हमारा 10% पर एनम, तो 10/100 हो जाएगा 6/12 कितना आएगा 2400। और जो मोहन है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हो जाएगा, मोहन की ड्राइंग्स कितनी है हमारी 36,000, 10/100 इंटू 6/12 तो कितना आएगा 1800। समझ में आ गया सबको, कोई डाउट्स है? इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 39। टीएस ग्रेवाल का ही है, दे विड्रू 10,000 ऑफ 15th डे ऑफ एवरी मंथ, ये भी मिडिल ऑफ एवरी मंथ है, 15th ध्यान रखना, एक तारीख दी है तो बिगिनिंग होगा, 15 तारीख दी है तो मिडिल होगा, और 31st दी है तो ये होगा एंड ऑफ द मंथ। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वाज टू बी चार्ज 12% पर एनम, कैलकुलेट देव्स ड्राइंग, वो कर रहा है 10,000 रुपए निकाल रहा है हर महीने, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे? जो देव है, देव की जो ड्राइंग्स है वो 10,000 पर मंथ है, तो टोटल ड्राइंग्स कितनी हो जाएगी 10,000 इंटू 12, साल भर में 12 महीने होते हैं, टोटल ड्राइंग होगी 1,20,000, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला लग जाएगा टोटल ड्राइंग्स इंटू रेट अपॉन 100 इंटू 6/12, टोटल ड्राइंग है 1,20,000, रेट कितना दिया हुआ है इसमें, रेट है हमारा 12%, 12/100 6/12 7,200 रुपये तेजस, ठीक है, समझ में आ रहा है बेटा? चलिए तो ये आ गया हमारा आंसर, आसान है सारे फार्मूले, एक बार अगर जिसने प्रीवियस पार्ट समझ लिया तो उनके लिए कोई भी क्वेश्चन टफ नहीं लगेंगे, और अगर चैनल पर नए आए तो लाइक जरूर कीजिए यार, सब्सक्राइब भी कीजिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 40, एक और करा देते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 40, वन ऑफ द पार्टनर्स इन द पार्टनरशिप फर्म हैज विड्रॉन 9,000 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। देखो क्वार्टर की बात करते हैं तो क्वार्टरली ड्राइंग को समझे, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज जाते हैं क्वार्टरली ड्राइंग्स, तो कई बार वो 4 महीने के क्वार्टर को समझ लेते हैं, क्वार्टर 4 महीने का नहीं होता, 3-3 महीने के क्वार्टर होते हैं साल भर में 4। अगर मैं फर्स्ट क्वार्टर की बात करूं, सेकेंड थर्ड और फोर्थ, ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, ये होता है हमारा 1 अप्रैल से 30 जून, 3 मंथ का होता है, ठीक है, और फिर होता है 1 जुलाई से 30 सितंबर, ये भी 3 मंथ का होगा, 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर, ये भी 3 मंथ का होगा, और फोर्थ क्वार्टर बनेगा 1 जनवरी 2024 से 31
March 2024, ये भी 3 months का होगा, ये 2023 मान लो, क्लियर हो गया। तो 3 3 months के क्वार्टर हुए 4, तो टोटल कितने मंथ हुए 12, समझ में आ गया, क्लियर है, समझ में आ रहा है मुल्ला जी। चलिए, वन ऑफ द पार्टनर इन अ पार्टनरशिप फर्म विदड्रॉन 9000 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, एक पार्टनर है वो विदड्रॉ कर रहा है 9000 रुपए ईच क्वार्टर, तो टोटल कितने क्वार्टर हुए 4, ठीक है, तो टोटल ड्रॉइंग्स कितनी बनेगी 9000 × 4 कितना हो जाएगा 36000, समझ में आ गया यहां तक। अब इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग निकालो, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स इज इक्वल टू होता है हमारा टोटल ड्रॉइंग्स इंटू रेट अपॉन 100। अब देखो एंड ऑफ ईच क्वार्टर बड़ा आसान है, क्वार्टरली ड्रॉइंग क्योंकि 3 3 महीने की हो रही है, मंथली ड्रॉइंग में आप 0.5 ऐड करते हो, 0.5 लेस करते हो, ठीक है, लेकिन क्वार्टरली ड्रॉइंग को 0.5 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1.5 आएगा, कितना आएगा 1.5। और जब आप मिडिल की बात करते हैं तो मिडिल कैसे निकालोगे उसका यहां पे समझ लेते हैं, इसी जगह पे मिडिल कैसे निकालोगे, मिडिल होता है 6/12, तो ये क्या हो गया हमारा मिडिल, और ये हो गया बिगिनिंग, ये हो गया एंड, तो यहां पे क्या होगा 1.5 क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 4.5/12, और यहां 0.5 ऐड करोगे तो ये आ जाएगा 1.5 ऐड करोगे, ठीक है, दोबारा समझाऊं, क्वार्टरली ड्रॉइंग है साल भर में कितनी हुई 12, 12 का एवरेज निकालोगे तो कितना आएगा 6/12, ये तो मिडिल हो गया। अब एंड के लिए क्या करना पड़ेगा 1.5 माइनस करो और बिगिनिंग के लिए 1.5 प्लस करो। सर 1.5 क्यों किया, क्योंकि 0.5 मंथली होता है इंटू 3 मंथ का एक क्वार्टर है तो कितना हो गया 1.5, इसलिए 1.5 प्लस करोगे और 1.5 भी माइनस करोगे। मिडिल के लिए 6/12, एंड के लिए क्या रहेगा 6/12 में 6 में से 1.5 माइनस करो तो क्या आएगा 4.5/12, और 6 में 1.5 ऐड करोगे तो कितना आएगा 7.5/12, क्लियर हो गया। 1.5 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मंथली ड्रॉइंग में 0.5 करते हैं, तो क्वार्टरली ड्रॉइंग में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 0.5 को तो कितना आएगा 1.5, तो यहां पे क्या आएगा 4.5/12, तो टोटल ड्रॉइंग कितनी है हमारी 36000, रेट कितना दे रखा है 6%, और कितना है 4.5/12 कितना आ जाएगा 810 रुपीज, समझ में आ गया सबको। जो ऑनलाइन व्यूअर्स है इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए, क्वेश्चन 36, 38, 39, 40 ये वाला पार्ट मेरा कंप्लीट होता है, और थैंक यू वेरी मच चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करने के लिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लव यू ऑल, वंदे मातरम, जय भारत।